नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी जो नेता हर बार घर बदले इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों उनको भी मालूम है, इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है, खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और ये बिहार की भूमि, ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू आपको शर्म आनी चाहिए, 20 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे बताओ लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? अरे नीतीश बाबू आपकी तो राजनीतिक पैदाइश ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों एक कांग्रेस पार्टी